हेलो एवरीवन वेलकम टू मेरा क्लासेस आई एम शिवा मिश्रा योर सोशियोलॉजी एजुकेटर सो जैसा कि आपको पता है कि हमारी फाउंडिंग फादर की सीरीज़ चल रही है उसमें हमने जो हमारे जो फर्स्ट फाउंडिंग फादर है जो हमारे फादर हैं सोशियोलॉजी के ऑगस्ट कोम्ट उनके बारे में हमने पढ़ लिया है आज हमारी सेकेंड क्लास है फाउंडिंग फादर्स की जिसमें आप हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में पढ़ेंगे अगर आपने ऑगस्ट कोम्ट को के बारे में नहीं पढ़ा तो जाके वो वीडियो देखिए आपको सब कुछ पता चल जाएगा तो जो हर्बर्ट स्पेंसर थे वो एक इंग्लिश मैन थे ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट थे और वो ऑगस्ट कुंड के कंटेम्प्रेरी थे इन्होंने बहुत सारे की आइडियाज दिए थे सोशियोलॉजी के फील्ड में इनकी जो कुछ थ्योरीज थी वो थी ऑर्गेनिक एनोलॉजी थ्योरी लेजेफेयर थ्योरी जो फ्री मार्केट की थ्योरी होती है इन्होंने इवोल्यूशनरी थ्योरी भी दी थी और इनकी एक और थ्योरी नहीं थी उन्होंने सोसाइटी को इंडस्ट्रियल सोसाइटी और मिलिट्री सोसाइटी में डिवाइड भी किया था जो हम आगे जाके पढ़ेंगे ये जो थे फंक्शनलिस्ट थिंकर थे तो हमको जो सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में आ, समझना है याद करना है कि कौन से सोशियोलॉजिस्ट कौन से पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते कौन से फंक्शनलिस्ट हैं कौन से कंफ्लिक थिंकर है कौन से स्ट्रक्चरलिस्ट है तो जो फंक्शन थिंकर होते हैं वो मानते हैं कि सोसाइटी में जो भी चीज़ें हैं वो उनका हर, उन सब चीज़ों का एक फंक्शन है कोई भी अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो जैसे क्राइम हो या फिर कुछ भी हो हर चीज़ एक फंक्शनल प्ले फंक्शन प्ले करती है इसीलिए हर चीज़ जो है हमारी सोसाइटी की इम्पोर्टेंट है तो सबसे पहले जो वर्ड्स फंक्शन है एंड जो वर्ड स्ट्रक्चर है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने यूज़ किया था अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि स्ट्रक्चर वर्ड सबसे पहले किसने यूज़ किया था या फिर फंक्शन वर्ड किसने सबसे पहले यूज किया था तो वो हम हर्बर्ट स्पेंसर को टिक करेंगे उसके बाद उन्होंने एक फेज दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फेज के पीछे एक स्टोरी है उनकी लाइफ से रिलेटेड एक स्टोरी है जो मैं बताती हूँ तो जो हर्बर्ट स्पेंसर थे आप देख रहे हैं कि उनका उनकी जो उनकी जो डेथ और बर्थ हुई थी 1820 से 1900 थी लगभग वो 83 इयर्स तक जीए थे तो इतने लॉन्ग टर्म में वो ज तो उसी से उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि जैसे वो हार्वर्ड स्पेंसर थे उनके वो लोग नाइन नौ भाई बहन थे ठीक है पहले के टाइम पे बहुत बड़ी फैमिली होती थी तो ये लोग नौ भाई बहन थे लेकिन उनमें से बस एक हार्वर्ड स्पेंसर हैं जिन्होंने लॉन्ग लाइफ जी इनके अलावा जो भी थे इनके भाई बहन वो ज्यादा लॉन्ग लाइफ उनकी नहीं रही तो उन्होंने बताया कि इसका रीजन ये फिट होंगे हेल्दी होंगे अगर वो जो भी चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में उसमें अडेप्ट लेंगे तो वो सरवाइव करेंगे वरना वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो उनके जो भाई बहन थे वो सरवाइव इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो जो भी चेंजेस हो रहे थे उससे सोसाइटी में उसको अडेप्ट कर पाए चेंजेस में और वो फिट नहीं थे तो इसी से उन्होंने बहुत थ्योरी दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का फ्रेज दिया था थ्योरी तो आपको ये याद रखना है कि एग्जाम में आएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसका फ्रेज है तो ये हर्बर्ट स्पेंसर का फ्रेज है आपको याद रखना है और हर्बर्ट स्पेंसर को हम सोशल डार्गनिस्ट भी बोलते हैं थे? हम इनको सोशल डार्विनिस्ट भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि वो जो चार्ल्स डार्विन है उनकी ओरिजिन ऑफ और जो बुक है उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे उन्होंने इनकी बुक पढ़ी थी और उन्होंने देखा था कि हाँ ऐसा सही में रियलिटी में हो रहा है तो उन्होंने जो जो अपना उन्होंने बायोलॉजी से बहुत कुछ लिया था और उससे बहुत सारी थ्योरीज उनकी बेस्ड थी बायोलॉजी में बायोलॉजी बेस्ड थी जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे जो हमारी इवोल्यूशन जो उनकी जो थ्योरी थी ऑर्गेनिक एनोलॉगी थ्योरी थी वो सब कुछ उनकी बायोलॉजी बेस्ड थी तो नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम उनकी एवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं इनकी जो इवोल्यूशनरी थ्योरी थी इसमें इन्होंने बताया था कि जो हमारी सोसाइटी थी पहले बहुत सिंपल सोसाइटी हुआ करती थी वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में टाइम के साथ कन्वर्ट हुई तो जो सिंपल सोसाइटी होती थी वो होमोजेनियस सोसाइटी थी एक जैसे लोग रहते थे लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी वैसे वैसे हेट्रोजेनिटी आने लगी तो इसी को उन्होंने बहुत डिटेल में थोड़ा सा समझाया कि जो सोसाइटी थी सबसे पहले सिंपल थी कोई भी जो सोसाइटी होती है उन्होंने बताया कि जो उन्होंने इवोल्यूशनरी थ्योरी दी कि जो सोसाइटी होती है वो बहुत ही जो प्रिमिटिव स्टेज से जो आज के स्टेज में उससे वो कैसे वो प्रोग्रेस हुआ क्या-क्या चेंजेस -क्या हुए कैसे वो जो आज के सोसाइटी प्रिमिटिव सोसाइटी से वो बनी कैसे उसका इवोल्यूशन है वो बताया उन्होंने बताया जैसे सबसे पहले सिंपल सोसाइटी हुआ करती थी वो बनी कंपाउंडेड सोसाइटी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी आफ्टर दैट डबली कंपाउंडेड फिर आई कंपाउंडेड एंड सोन तो जो हमारी सबसे पहले जो सिंपल सोसाइटी होगी उस उसमें बस फैमिलीज होंगी बहुत सारी फिर जब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी टाइम बढ़ेगा बहुत सारी फैमिलीज जो हैं मिलके क्लैंस बनाएंगी वंश हम जिसको बोलते हैं फिर और वैसे जैसे और टाइम बढ़ेगा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और डेवलपमेंट होगा तो क्लैंस मिल ट्राइब्स बनाएंगे और जैसे जैसे बढ़ेगा उसके बाद जो ट्राइब्स मिलके हमारा नेशन बनाएंगे नेशन और स्टेट बनाएंगे तो उनकी ये जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है ये कॉम्प्लेक्सिटी पे बेस्ड है कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है टाइम होता है वैसे वैसे जो सोसाइटी है सिंपल सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में कन्वर्ट होती है तो ये इनकी इवोल्यूशनरी थ्योरी थी जो कि हम पढ़ते हैं यहाँ पे होगा उनके जितने भी सोशोलॉजिकल वर्कस थे वो आइडिया ऑफ इवोल्यूशन पे बेस्ड थे तो उन्होंने बताया जैसे जैसे सोशल इवोल्यूशन हुआ तो सोसाइटी सिंपल सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में उसका प्रोग्रेस हुआ उसके बाद हम्म जैसा कि यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू स्पेंसर सिंपल सोसाइटी ऑफ़ फैमिलीज़ जैसे मैंने बताया जो सिंपल सोसाइटीज थी उसके एल्बन क्या थे फैमिलीज देन कम्स कंपाउंडिंग सोसाइटीज उसमें क्या थी क्लेंस बहुत सारी फैमिलीज को मिला के क्लेंस बनते हैं फिर डबली कंपाउंडेड सोसाइटीज में बहुत सारे क्लेंस मिला के ट्राइब्स बनते हैं फिर हमारी जो ट्रिबली कंपाउंडेड सोसाइटी थी बहुत सारी ट्राइब्स मिला के हमारा फाइनली नेशन स्टेट बनता है तो ये आपको याद रखना है जो भी ये जो इवोल्यूशनरी थ्योरी बताई है कौन सी पहले सिंपल सोसाइटी कंपाउंड ये आपको याद रखना है इसके जो एलिमेंट्स थे फैमिली से रखनेस से ट्राइब्स से नेशन ये आपको अच्छे से याद रखना है इसके बाद हम इनकी ऑर्गेनिक एनोलॉगी की थ्योरी पढ़ेंगे सेकेंड थ्योरी आज की ऑर्गेनिक एनोलॉगी थ्योरी एनोलॉगी का मतलब होता है ऑर्गेनिक। सिमिलैरिटीनिकॉगी एनोलॉगी का मतलब होता है सिमिलैरिटी जैसे कि बताया था मैंने कि जो स्पेंसर थे वो चार्ल्स डार्विन से बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस उनकी बुक जो थी उनकी जो बुक थी उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे और क्योंकि वो जो चार्ल्स डार्विन थे बायोलॉजिस्ट थे तो इन्होंने भी बायोलॉजी बायो से बहुत सारी चीजें ली हैं तो इसीलिए उन्होंने जो हमारी जो सोसाइटी है उसका कंपैरिजन एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से उसका कंपैरिजन किया उसके उनके बीच में उन्होंने सिमिलैरिटी बताई है इसके हिसाब से जो हमारी सोसाइटी है वो भी डिफरेंट पार्ट से मिलके बनती है जैसे हमारी जो भी ह्यूमन बॉडी है उसमें हैंड्स है आइज है लेग्स हैं और इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि लीवर है किडनी है वैसे जो हमारा बायोलॉजिकल एंटिटी में ये सब चीजें होती है वैसे जो हमारी सोसाइटी है वो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से मिल बनती है जैसे कि मैरिज फैमिली एजुकेशन एक्सेट्रा अभी और भी है तो उन्होंने बॉडी ह्यूमन बॉडी डिफरेंट पार्ट से मिल बनती है वैसे हमारी जो सोसाइटी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से मिल बनती है उन्होंने बताया कि जैसे हमारी जो बॉडी पार्ट्स बॉडी जो है ग्रो करती है वैसे जो हमारी सोसाइटी है वो भी ग्रो करती है पहले हमारी जो बॉडी रहती है हम लोग इन्फेंट रहते हैं बहुत सिंपल रहती है वैसे ही हमारी सोसाइटी भी सिंपल रहती है फिर वो उसका ग्रोथ होता है तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है फिर जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो हर, वो हर एक फंक्शन प्ले करते हैं वैसे हमारी सोसाइटी में डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हर एक फंक्शन प्ले करते हैं यहाँ पे हम जैसा कि देखा इन्होंने बताया एक इन्होंने सोसाइटी को सुपर ऑर्गेनिक एंटिटी बोला था ये आपको याद रखना है सोसाइटी को सुपर ऑर्गेनिक एंटिटी किसने बोला था हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला था यह आपको याद रखना है

आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे में फंक्शन के लिए वैसे जो हमारी सोसाइटी होती है उसके जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे एडुकेशन फैमिली मैरिज ये भी एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंट होती है डिफरेंट फंक्शन प्ले करती है और मिलकर ये लोग काम करते हैं तो इसीलिए उन्होंने सोसाइटी को सुपर ऑर्गेनिक एंटिटी बोला इसके बाद हम इन्होंने जो कंपैरिजन किया था सिमिलैरिटी बताई थी जो सोसाइटी है और जो हमारी ऑर्गेनिज्म है दोनों साइज में ग्रो करते हैं सोसाइटी ग्रोज द इंटरनल एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट इन द सेम वे बायोलॉजिकल पार्ट्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड जैसे मैंने बताया टाइम के साथ जैसे हमारी जो बायोलॉजिकल पार्ट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं वैसे वैसे हमारी जैसे सोसाइटी बढ़ती है वैसे वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है उसके बाद एवरी पार्ट ऑफ द सिस्टम इज इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर जैसे कि बताया कि हर जो पार्ट होता है हमारी बॉडी का वो इंटर रिलेटेड होता है वैसे ही जो हमारी सोसाइटी है उसकी भी हर एक जो पार्ट होते हैं इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं उन्होंने एक और चीज़ बताई एक डिफ्रेंस बताया कि जैसे जो हमारी सोसाइटी रहती है उन्होंने बताया कि जैसे जो हमारी बॉडी रहती है उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो मिलके हमारी जो बॉडी का बेनिफिट करते हैं बॉडी के लिए डिफरेंट पार्ट आपस में मिलके काम करते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म वेयर द पार्ट एग्जिस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ होल लेकिन इसके ऑपोजिट में जो हमारी सोसाइटी रहती है वो हमारे सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स के लिए वर्क करती है जैसे सोसाइटी एज अ होल एग्जिस्ट for the benefit of the parts जो individuals होते हैं वो society के लिए काम करते हैं ठीक है तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि जैसे हमारी हमारे जो होते हैं उसके डिफरेंट हैं हमारी पूरी बॉडी के लिए काम करते हैं लेकिन हमारी जो सोसाइटी होती है वो society हमारी डिफरेंट पार्ट्स के लिए काम करती है ठीक है तो ये हो गई हमारी ऑर्गेनिक एनोलॉजी थ्योरी और एवोल्यूशन थ्योरी देखते हैं इसमें कुछ बचा तो नहीं उसके बाद आती है टाइप्स ऑफ सोसाइटी तो जो स्पेंसर है उन्होंने जो सोसाइटी है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है मिलिट्री सोसाइटी जो पहले के टाइम पे थी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो आज के सोसाइटी आज के टाइम की सोसाइटी थी इनका जो डिवीजन है ऐसी डिवीज़न दर दरखाइम ने दिया था अपनी थ्योरी में और ऐसे बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ने भी अपनी थ्योरी में डिवीजन दिया था तो सबसे पहले हमारी जो मिलिट्री सोसाइटी थी जो पहले की सोसाइटी होती थी उसमें हम देखते थे कि जो हमारा कॉपरेशन होता था वो कंपल्सरी कॉपरेशन होता था मतलब हम चाहे ना चाहे हमको साथ मिलकर काम करना है हमको साथ रहना है लेकिन जो आज की सोसाइटी है वहां पे वॉलेंट्री कॉपरेशन हो गया है जब हमको काम हो रहा है तब हम साथ में रहेंगे लेकिन जब हमारा मन कर रहा है जब हमारा काम वरना करेंगे वरना हम साथ में नहीं रहेंगे पहले जो सोसाइटी थी वो सेंट्रलाइज थी सेंट्रलाइज्ड पैटर्न था आज के टाइम पे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, है। हुआ मतलब पहले जो थे जो किंग थे वो पूरी सिटी को पूरी सोसाइटी को रूल करते थे लेकिन आज के टाइम पे हम देखते हैं कैसे डिविजन है डिसेंट्रलाइजेशन है सबसे सेंटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है फिर स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है फिर लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होती है जैसे पंचायती पंचायती गवर्नमेंट पंचायती राज हो, राज होता है तो ऐसे पहले सेंट्रलाइजेशन था बस एक अथॉरिटी थी अथॉरिटी थी लेकिन आज के टाइम पे मल्टीपल हर एक लेवल पे अलग अथॉरिटी है ठीक है उसके बाद आते हैं अ पहले जो सोसाइटी थी उसमें बहुत ही रिग्रेस डिसिप्लिन था बहुत डिसिप्लिन सोसाइटी थी लेकिन आज के टाइम पे जो डिसिप्लिन है थोड़ा सा देखते हैं कि इतनी जैसे पहले डिसिप्लिन सोसाइटी थी वैसे अभी नहीं है पहले जो हमारी जो पब्लिक लाइफ प्राइवेट लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग नहीं थी लेकिन आज के टाइम पे हम देखते हैं कि हमारी जो पब्लिक लाइफ है प्राइवेट लाइफ है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा सेपरेशन है पहले के टाइम पे जो हमारे पर्सनल राइट्स थे उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था लेकिन आज की जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसमें पर्सनल राइट्स जो है आपके रिकग्नाइज किए गए हैं आपको अपने पर्सनल राइट्स दिए गए हैं पहले जो एसोसिएशन्स एसोसिएशन्स और इंस्टीट्यूशन्स थी इनके इनको ग्रो नहीं करने दिया जाता था लेकिन आज के टाइम पे इनका बहुत ग्रोथ हो रहा है तो ये जो पहले की सोसाइटी और आज की सोसाइटी है इनका जो कंपैरिजन है किसने किया हर्वर्ट स्पेंसर ने ठीक है ये आपको याद रखना है किस किन दो पार्ट्स में डिवाइड किया है एक मिलिट्री सोसाइटी एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी मिलिट्री पहले की होती थी इंडस्ट्रियल अभी की होती थी तो आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा ये एक थ्योरी थी उसके बाद उन्होंने एक लेजे फेयर की उन्होंने लेजे फेयर जो फ्री मार्केट जो थ्योरी है उस उसको उन्होंने सपोर्ट किया है मतलब जो लेजे फेयर क्या होती है थ्योरी क्या होती है इसके हिसाब से फ्री मार्केट मतलब जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है होता है मार्केट में वो नहीं होना चाहिए या फिर सब बहुत कम होना चाहिए मतलब जो हमारी जो मार्केट को जो रन करेंगी वो डिमांड सप्लाई की जो कंडीशंस होती है वो सब रन करेंगी जितनी डिमांड uh, होगी उतना सप्लाई होगा उस हिसाब से प्रोडक्शन होगा इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन की कोई भी जरूरत नहीं है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इंडिविजुअल्स जो है वो फ्री है कंपीट करने के लिए एक दूसरे के साथ और इससे ही जो है वो ग्रोथ होती है डेवलपमेंट होता है तो इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने जो फेयर की जो थ्योरी है इसको सपोर्ट किया था उसके बाद उनका एक और जो कॉन्सेप्ट में में पढ़ते हैं इन्होंने जो घोस्ट रिलीजन जो कॉन्सेप्ट दिया था वो अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में दिया था आपको ये याद रखना है किसने कौन से कॉन्सेप्ट दिए कौन सी बुक लिखी है और कौन से कॉन्सेप्ट को कौन सी बुक में लिखा है तो आप एक ऐसी नोटबुक बना सकते हैं जिसमें आप आ, कौन ने कौनसी कौनसी सी, कौन बुक्स लिखी कौनसी थ्योरी दी आप ये लिख सकते हैं और कौन सी बुक में कौनसी थ्योरी दी है ये भी लिख सकते हैं ताकि आप जब रिवाइज करें तो आपको एक जगह पे सब कुछ मिल जाए और आप आपको इजी पड़े रिविजन में ये जो घोस्ट रिलीजन की जो थ्योरी थी इनके हिसाब से अकॉर्डिंग दी दस ऑफ डेट पीपल इन द ड्रीम्स इज दई पीपल इन सिंपल सोसाइटी एज द एविडेंस ऑफ टेम्परेरी लाइफ आफ्टर दैट उनके हिसाब से जो पहले के टाइम पे जो सपने में लोगों को डेड पीपल जो दिखते थे जो मरे हुए लोग दिखते थे उनको ऐसा लगता था कि वो रियल में आ, उनको ऐसा लगता था कि हम लोगों के मरने के बाद उनकी आफ्टर लाइफ होती है उसके बाद वो एक एंटिटी बन जाते हैं जिसको वो लोग सुपर नेचुरल एंटिटी बोलते थे और इन्हीं को वो लोग वर्शिप करते थे ठीक है लेकिन स्पेंसर ने बोला कि जो सुपर एंटी सुपर नेचुरल एंटिटी होती है जो डेड पीपल होते हैं ये असलियत में ये इनके एंसेस्टर्स होते थे जो इनको ड्रीम्स में दिखते थे घोस्ट ऑफ जो घोस्ट होते थे वो उनके एंसेस्टर के घोस्ट होते थे और इन्हीं को इन्होंने वर्शिप करना चालू कर दिया और इसी की वजह से हम आज के टाइम पे भी देखते हैं हर रिलीजन में हम अपने एंसेस्टर को वर्शिप करते हैं और ये इसी की वजह से ये चीज चली आ रही है तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि घोस्ट रिलीजन का कॉन्सेप्ट किस, किसने दिया तो किसने दिया हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया कौन सी बुक में दिया प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में दिया और ये जो घोष जो थे वो उनके एंसेस्टर हुआ था करते थे अगर थोड़ा सा डीप में आए तो आप ये बता सकते हैं थोड़ा सोच के आप ये आंसर कर सकते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हो गया तो हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट देखे इनके एवोल्यूशनरी थ्योरी देखी हमने हमने ऑर्गेनिक एनोलॉजी देखी उसके बाद हमने मिलिट्री uh, और इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बीच में डिफरेंस देखा ये जो थी और ये जो और याद रखना है कि जो हर्बर्ट स्पेंसर थे वो फंक्शनलिस्ट थे उनको सोशल डार्विनिस्ट बोलते हैं क्योंकि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे उनकी जो बुक थी उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म दी है फिटेस्ट टर्म जो जो मैंने इनकी स्टोरी बताई थी लाइफ से आपको याद रहेगा कि क्यों इन्होंने ये थ्योरी दी है उसके बाद अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है बुक्स तो जो फाउंडिंग फादर से अगर आप आपसे याद हो जाती तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन आते हैं जो सबसे पहली बुक थी इनकी वो थी सोशल स्टैटिक्स द फिलोसफी ऑफ स्टाइल रेलवे मोरल्स एंड रेलवे पॉलिसी फर्स्ट प्रिंसिपल्स, ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है सोशल स्टैटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी ऑफ सोशोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी मैन वर्सेस द स्टेट इसमें उन्होंने लेजर फेयर के बारे में बात की होगी द सिंथेटिक फिलासफी एजुकेशन इंटेलैक्चुअल मॉरल एंड फिजिकल तो सारी बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है सारी याद भी नहीं होंगी लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट जैसे सोशल स्टेटिक्स फर्स्ट प्रिंसिपल फिलोसफी ऑफ स्टाइल ये जो सिंथेटिक फिलोसफी ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको अच्छे से याद करनी है तो आज हमारी जो सेकेंड फाउंडिंग फादर है उनकी क्लास हो चुकी है अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी जॉर्ज सिमल की हमारे जो थर्ड फाउंडिंग फादर हैं तो आपको जो भी डाउट्स हों वो आप बताइए नेक्स्ट जो वीडियो का उसमें आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे और जो भी कुछ नए आइडियाज है वो भी दे सकते हैं क्लासेस को लेके थैंक यू सो मच नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं